नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंचकुला पुलिस उपायुक्त मुकेश मल्होत्रा के निर्देशानुसार एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज के नेतृत्व में इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच सेक्टर 26 गुरमेल सिंह और उनकी टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए पंचकुला और बल्टाना में हुई लूटपाट एवं मर्डर की 5 वारदातों का पर्दाफाश करते हुए नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसीपी क्राइम अरविंद कंबोज ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 व्यक्तियों को हर्बल पार्क सेक्टर 26 पंचकुला से 2 अवैध देसी पिस्टल और 10 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने 15 फरवरी 2024 को मदनपुर में पिस्टल से फायर करके अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ज्वेलर्स की दुकान पर लूट करने की कोशिश कर वारदात को अंजाम दिया था और 25 जनवरी 2024 को जीएसटी भवन सेक्टर 25 के पास से सुपरमार्केट के संचालक से पिस्टल की नोक पर 95,500 रुपए लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। इसके अलावा आरोपी 13 फरवरी 2024 को बल्टाना में शराब के ठेके पर पिस्टल से फायर करके कैश और शराब लूट कर ले गए थे। 2023 के अक्टूबर महीने में बल्टाना में हुए मर्डर की वारदात में 2 आरोपी शामिल थे। इसके अलावा आरोपी सेक्टर 14 पंचकुला में भी हत्या करने की कोशिश की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पंचकुला से हमारे संवाददाता कपिल नागपाल की रिपोर्ट। हाँ जी सर, बताएंगे जैसे एक फायरिंग हुई थी उस मामले में आपने आरोपी पकड़े, सर क्या मामला सर? एक 15 फरवरी को 8:30 बजे एक ज्वेलर की दुकान है मदनपुर सेक्टर 26 में, वहाँ कुछ लड़के आए, उन्होंने फायर किया और लूट करने की कोशिश से वो आए थे। वो उसकी सूझबूझ की वजह से वारदात नहीं कर पाए और हवाई फायर करके वहाँ से मौके से भाग गए थे। तो इनको सर कहाँ से गिरफ्तार किया और कितने आरोपियाँ सर? आज हमारे को क्राइम ब्रांच 26 को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति उस वारदात के हर्बल पार्क के पास घूम रहे हैं, तो वहाँ से हमने इनको काबू किया है। तो सर क्या क्या नाम है इनके और कहाँ कहाँ के हैं ये? ये लोकल रहने वाले हैं, गुरप्रीत है, साहिद है, राज है, विपिन है, एक अमन है, इसको हमारी दूसरी टीम ने दारू अड्डा से गिरफ्तार किया है। तो सर कोर्ट में पेश करेंगे? ये कल इनको पेश करेंगे और बाकी रिमांड लेंगे। सर इनके ऊपर और भी कोई मामले दर्ज है पहले से? हाँ, इनके पुराने भी क्रिमिनल हिस्ट्री है इनकी भी, किसी के खिलाफ 8 पर्चे दर्ज हैं, किसी के खिलाफ 5 पर्चे दर्ज हैं, बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी इस मामले में कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सर? अभी इसमें टोटल हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक इसमें जुनाइल है। तो इनका क्या और भी कुछ इरादा था? क्राइम ब्रांच 26 की टीम इंस्पेक्टर गुरमल के नेतृत्व में जो आज नाकाबंदी और गश्त में वहाँ पे मौजूद थे, तो इनको जब चेक किया तो ये एक सेक्टर 25 में एक वीटा वाला है उसके यहाँ वारदात करने के लिए आए थे। तो जो हमारी टीम की सूझबूझ की वजह से वो वारदात विफल हुई और इनसे हमारी और अन्य वारदातें भी खुली हैं। एक 27 जनवरी को 95,500 की लूट हुई थी, उस वारदात को भी इन्होंने कबूला है। और एक बल्टाना में 13 फरवरी को एक ठेके का इंसिडेंट हुआ था, ठेके पे लूट की थी इन्होंने, उस वारदात का भी इन्होंने डिस्क्लोज किया है। और एक अक्टूबर के महीने में एक कबाड़ी का मर्डर किया था, उसमें भी 2 लड़के इनमें से वांटेड हैं। और एक 307 का केस है सेक्टर 14 का, उसमें भी इनमें से कुछ लड़के वांटेड हैं। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आगे रिमांड लेंगे, आगे कौन कौन सी और वारदातें खुलेंगे उन पर हम पूरा फोकस करेंगे। इनमें पंचकुला में कितने मामले दर्ज हैं सर? अभी तक तो जो पंचकुला की जो हमारी जो वारदात खुली है, एक जो मदनपुर में जो गोली इंसिडेंट हुआ था और एक सेक्टर 25 में जो 95,500 की लूट हुई थी, और एक जो आज इन्होंने वारदात करनी थी, अभी तक इन वारदातों का खुलासा हुआ। एक कोई 307 का एक केस है सेक्टर 14 का, उसमें भी ये वांटेड थे। बाकी 2 मामले पंजाब के हैं, एक बल्टाना की लूट है जो मोहाली की है और एक जो अपना ये कबाड़ी का मर्डर है वो भी मोहाली का है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।